सो गाइज आई रिक्वेस्ट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। टाटा हैरियर पेट्रोल, अभी हैरियर सिर्फ डीजल इंजन में साथी है बट कंपनी इसके पेट्रोल मॉडल को भी लाने की तैयारी में है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी हो रही है। अदर देन दिस हैरियर के पेट्रोल मॉडल को रोड्स पर कई बार टेस्टिंग के टाइम सपोर्ट किया जा चुका है जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेट्रोल इंजन वाली हैरियर इस साल फेस्टिवल सीजन के आसपास लॉन्च हो सकती है। वहीं इसमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो अप्रोक्स 150 bhp की पावर को प्रोड्यूस करता है और ये इंजन सिर्फ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आने की उम्मीद है। वहीं पेट्रोल इंजन वाली हैरियर की प्राइसिंग डीजल ऑटोमेटिक मॉडल से थोड़ी कम हो सकती है। नेक्स्ट अपकमिंग कार है मारुति सुजुकी जिम्नी। जिम्नी को 2020 ऑटो एक्सपो में इंडिया में डिस्प्ले किया गया था। जिम्नी के फ्रंट में कंपनी ने 5 स्लेट ग्रिल, राउंड शेप में एलईडी हेडलैम्प और मैस्कुलर बम्पर का यूज किया है। वहीं व्हील आर के साथ ही ब्लैक क्लैडिंग भी दी गई है। इंटीरियर में इसमें जिप्सी से बड़ा केबिन दिया गया है जिसमें स्मार्ट प्ले, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयर कंडीशनिंग, स्विफ्ट जैसा स्टीयरिंग व्हील, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और ऑटो हेडलैम्प मौजूद है। इंजन ऑप्शन में जिम्नी में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो सियाज, एर्टिगा, XL6 और मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा में भी यूज किया गया है। इसके अलावा जिम्नी की इंडिया में स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 9 से 9.5 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। जीप रेनेगेड, जीप रेनेगेड कंपनी की ग्लोबली सबसे अफोर्डेबल एसयूवीज में से एक है। इंडिया में लॉन्च होने पर इस एसयूवी का मुकाबला ह्यूंडई क्रेटा, निसान किक्स और किया सेल्टस जैसी मिड साइज एसयूवी से होगा और ये जीप कंपस के नीचे के लाइनअप में सिचुएट होगी। इंडिया में रेनेगेड की सेल इसके लुक्स और फीचर्स की वजह से नहीं होने वाली बल्कि इसकी परफॉर्मेंस, स्पेशली इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी की वजह से होगी जो हमें इंडिया में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की कारों में देखने को नहीं मिलती। इंडिया में इस एसयूवी का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च होगा जिसमें 8.4 इंच का यू कनेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा एक पैनोरमिक और रिमूवेबल सनरूफ, ड्राइविंग मोड्स, 18 इंच के व्हील्स, एलईडी हेड एंड टेल लैंप्स जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कार है ह्यूंडई अल्काज़र। 5 सीटर मिड साइज एसयूवी क्रेटा की ह्यूज सक्सेस के बाद ह्यूंडई क्रेटा के 7 सीटर वर्जन के लॉन्च की प्लानिंग कर रही है। हाल फिलहाल ह्यूंडई के पास अपने लाइनअप में कोई भी 7 सीटर कार नहीं है सो इट्स मीन ह्यूंडई के पास महिंद्रा एक्सयूवी 500, एमजी हेक्टर प्लस और अपकमिंग टाटा ग्रेविटा से कम्पीट करने के लिए कोई भी व्हीकल नहीं है। कंपनी ने इस अपकमिंग 7 सीटर को अल्काज़र नेम दिया है एंड इस न्यू एसयूवी को टेस्टिंग के टाइम भी सपोर्ट किया जा चुका है। डिजाइन लैंग्वेज को कवर करें तो इसका फ्रंट पोर्शन काफी सिमिलर है ऑन गोइंग क्रेटा के साथ। फ्रंट में इसमें ह्यूंडई कैस्केडिंग ग्रिल, सी शेप में स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प विद एलईडी डीआरएल्स, फॉग लैंप्स और एक फॉक्स स्किड प्लेट मिल जाती है। साइड प्रोफाइल थर्ड रो सीटिंग की वजह से क्रेटा से लंबी लगती है एंड यहाँ न्यू डिजाइन के अलॉयज भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव रियर में देखने को मिलेगा जहां इसमें लार्जर एलईडी टेल लैंप्स, रीडिजाइन किया गया रियर बम्पर और एक फॉक्स रियर स्किड प्लेट मिल जाती है। इंजन एंड इंटीरियर को भी रिवील नहीं किया गया है बट ये काफी सिमिलर रहेंगे ऑन गोइंग क्रेटा के साथ एंड ह्यूंडई अल्काज़र को 2021 के मिड तक लॉन्च किया जाएगा अराउंड अप्रैल टू जुलाई जहां इसकी एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग एक्सोरूम प्राइस 14 लाख रुपीज रहेगी। वीडियो से रिलेटेड आपके जो ओपिनियन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें एंड ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।